ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। लोकसभा चुनावों की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए जारी कर दिया है। इस मैनिफेस्टो में खासतौर पर महिलाओं का ध्यान रखा गया है। महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करने की बात कही गई है। क्या है महालक्ष्मी योजना और महालक्ष्मी योजना को क्यों मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना से जोड़कर देखा जा रहा है, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। आपको मध्य प्रदेश में पिछले साल यानी कि साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव याद होंगे, जिसमें बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की। इस जीत के पीछे एक योजना को काफी ज्यादा उसका कारण माना गया, वो योजना थी लाडली बहना योजना। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत प्रत्येक महिला को 1,000 रुपए हर महीने दिए जा रहे थे। आपको बता दें कि लाडली बहना योजना की शुरुआत के साथ ही माना गया कि ये योजना इन चुनावों में यानी कि जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें मील का पत्थर साबित होगी, बीजेपी के द्वारा शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगी। और हुआ भी ऐसा, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बंपर जीत हासिल हुई। वहीं अब लोकसभा चुनाव देश में होने हैं। 19 अप्रैल से पहले चरण के लोकसभा चुनाव होंगे, उससे पहले कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इस मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने महिलाओं का खास ध्यान रखा है और अपने तमाम न्यायों के बीच में महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना का वादा किया है। महालक्ष्मी योजना के तहत अगर कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है तो देश में महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत गरीब महिलाओं को सालाना 1,00,000 रुपए दिया जाएगा। कांग्रेस के द्वारा महालक्ष्मी योजना के वादे के बाद अब इसे शिवराज सिंह चौहान सरकार की लाडली बहना योजना से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने जो लाडली बहना योजना शुरू की थी उसी की तर्ज पर कांग्रेस ने ये योजना अपने मैनिफेस्टो में शामिल की है। वहीं आपको ये भी याद दिला दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में नारी सम्मान योजना का वादा किया था, जिसके तहत अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती तो महिलाओं को 1,500 रुपए देने का वादा किया गया था। वहीं अब लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस इस वादे के साथ आई है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है तो महिलाओं को सालाना 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे। गरीब महिलाओं के लिए योजना है। ऐसे में इस योजना को या इस वादे को जो कांग्रेस ने किया है उसे मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना के समकक्ष या उसकी तरह या यूं कहें कि उससे इंस्पायर्ड देखा जा रहा है। हालांकि देखना होगा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शामिल महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना महिलाओं तक कितनी पहुंचती है और कितनी पसंद आती है और इसका कितना फायदा कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में होता है। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।